दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट में। पिछले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन को समझाया था जो मैंने गेस किया है 2019 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे जो 2019 के लिए गेस किया गया है, ठीक है। और पिछले साल जो मैंने गेस किया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि पिछले साल वाले गेस में से आपका बहुत क्वेश्चन फंसा है, और इस साल भी ऐसा करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, करीब 90% क्वेश्चन आएंगे जो गेस किया गया है और जो मैं समझा रहा हूँ। तो आप लोग आराम से समझिए क्वेश्चन को, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब लिखा होगा उसे सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन आएगा उसे भी दबाएँ ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो आंसर आएगा, मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका भी आंसर मैं अपलोड करूँगा, तो आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे समझते हैं क्वेश्चन को। तो जो भी है पूरा देखना वीडियो को, तभी समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन है, हु वाज जॉनसन, व्हाई वाज ही वरीड। जॉनसन कौन था और वो चिंतित क्यों था। जॉनसन वाज ए लेबोरियस फार्मर, जॉनसन एक मेहनती किसान था। ये क्वेश्चन है द अर्थ का, ठीक है। ही हैड 4 acres लैंड, उसे 4 acres ज़मीन थी। एंड एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट मतलब हुआ खेती करने वाले जो यंत्र होते हैं, जैसे हल, कुदाल, खुरपी सब होता है ना, उसे ही बोला जाता है एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स, जो खेती करने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसी को। उसके पास 4 acres ज़मीन थी एंड एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स। ही वर्कड हार्ड इन हीज लैंड, वो अपने खेत में बहुत कठिन मेहनत करता था। एंड मेंटेन्ड हिज फैमिली, और अपने परिवार का मेंटेन करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ही हैड ए सिंपल माइंडेड सन, यहाँ पे एम होगा, उसे एक सिंपल माइंडेड सन था, मतलब उसका जो बेटा था वो मंद बुद्धि का था। हुज नेम वाज जॉनसन, उसका नाम क्या था, बेंजी था। जॉनसन यहाँ पे काट देते हैं, हुज नेम वाज बेंजी, उसका नाम बेंजी था। He went to school regularly, वो रोज़ स्कूल जाता था। But his mind did not develop, लेकिन उसका दिमाग विकसित नहीं हुआ। His father had wish, उसके पिता की इच्छा थी that कि बेंजी would be a learned man, बेंजी एक विद्वान आदमी बने पढ़ लिख करके। So Johnson was worried about his son, इसलिए जॉनसन अपने बेटे को लेकर के चिंतित था, ठीक है। वीडियो को अगर आप लोग उस वीडियो को, मतलब क्वेश्चन को फिर से समझना चाहते हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से उस इसको देखिए, फिर से समझ में आ जाएगा। 2 बार वीडियो को देखना है, क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कैसा लग रहा है वीडियो वो भी बताएँ प्लीज़। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द प्लेस ऑफ मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की क्या प्रतिज्ञा थी। ये जो लेसन है आई हैव ए ड्रीम का है। तो मार्टिन लूथर हैड प्लेज, मार्टिन लूथर की प्रतिज्ञा थी कि दे विल ऑलवेज मार्च अहेड, अहेड एक ही में है, कि वे हमेशा आगे आगे मार्च करेंगे, मतलब अपने उनके देश के जो पिछड़े जाति के लोग थे उनके लिए वो लड़ेंगे। दे कैन नॉट टर्न बैक, वो वापस नहीं लौट सकते हैं। दे कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, वो तब तक संतुष्ट नहीं होंगे एज लॉन्ग एज द निग्रोज आर नॉट एबल टू गेट दियर फ्रीडम एंड जस्टिस, जब तक निग्रोज जाति है तो निग्रोज जाति को जब तक आज़ादी और न्याय नहीं मिलता तब तक वे लोग वापस नहीं लौटेंगे, संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। ही हैज़ ऑल्सो प्लेज, उनकी ये भी प्रतिज्ञा थी दैट दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वे तब तक संतुष्ट नहीं होंगे एज लॉन्ग एज निग्रोज इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट, जब तक मिसिसिपी के निग्रो को मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा तब तक वे लोग वापस नहीं लौटेंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। दे कैन नॉट गेन, इस लाइन को छोड़ दीजिए यहीं तक आंसर, ठीक है, रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एपिटाफ, एक एपिटाफ किसको बोलते हैं। तो जब कोई मर जाता है तो उससे दफनाने के बाद जो उसके ऊपर में कब्र बना रहता है और उस पर जो कुछ लिखा रहता है कब्र के ऊपर में, उसी को एपिटाफ बोला जाता है। एक्चुअली एन एपिटाफ रेफर्स टू इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब इन मेमोरी ऑफ द डेड, जो कोई मर जाता है उसके याद में जो टॉम्ब पर, मतलब उसके कब्र पर जो लेख लिखा जाता है उसे एपिटाफ कहा जाता है। एट पास्ट टाइम
पुराने ज़माने में द रूलर्स कंस्ट्रिक्टेड, जो शासक होते थे, राजा होते थे, वो बनाते थे एन एपिटाफ टू रिमेम्बर ऑफ दियर रिलेटिव्स, अपने पूर्वजों को याद करने के लिए वो एपिटाफ बनाते थे। ताजमहल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एपिटाफ दैट इज़ द सिम्बल ऑफ लव। ताजमहल एपिटाफ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो प्यार का प्रतीक है। ठीक है, अगर पूरा नहीं याद हो तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ताजमहल वाला जो लाइन है वो, ये दोनों बोल देंगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर का पूछता है, आंसर को डील करना रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। ये क्वेश्चन है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। ठीक है, और 5 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो वीडियो ज़रूर जा कर के देखें। वीडियोज़ में जा कर के सब लाइन से है, कुछ ही दिनों में अपलोड हुआ है, और प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारा वीडियोस है, आप लोग जाकर के देखें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करीब 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक लेसन का क्वेश्चन आंसर बना हुआ है, समरी बना हुआ है, वो लोग जाके देखें आप लोग। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। राइट ए नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, ये भी गेस किया गया है 2019 के लिए, मतलब मॉडर्न इंग्लिश पर एक नोट लिखें, नोट होगा यहाँ पर टी, मॉडर्न इंग्लिश पर एक नोट लिखना है। मॉडर्न इंग्लिश इज़ द थर्ड पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का जो विकास हुआ है उसका तीसरा पीरियड है मॉडर्न इंग्लिश, मतलब सबसे पुराने पीरियड को बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश, फिर मिडिल इंग्लिश, फिर मॉडर्न इंग्लिश। अब मॉडर्न इंग्लिश को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, खैर पढ़िए, पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और सीखते हैं। इट बिगिन्स फ्रॉम AD 1500 एंड एंड्स इन AD 1900, मतलब ये जो मॉडर्न इंग्लिश है वो 1500 ईस्वी से लेकर के और 1900 ईस्वी तक को मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है, और उसके बाद जो अब इंग्लिश आया है 1900 ईस्वी का, इसे हम लोग न्यू इंग्लिश कहते हैं, न्यू मॉडर्न इंग्लिश। इट हैज़ बीन डिराइव्ड इनटू 2 पार्ट्स, मॉडर्न इंग्लिश को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है मॉडर्न इंग्लिश और दूसरा है द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड न्यू इंग्लिश, और दूसरे भाग को बोला जाता है न्यू इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मॉडर्न इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, सुनहरा समय, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इट इज़ सो, ये इसलिए क्योंकि बिकॉज विलियम शेक्सपियर प्रोवाइडेड ए न्यू वे ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। विलियम शेक्सपियर ने इंग्लिश को एक नया मुकाम दिया, नया रास्ता दिया, बाय राइटिंग द पोएम लव पोएम्स। किसके द्वारा? तो अपने विलियम शेक्सपियर की जो लव पोएम्स हैं उसके द्वारा वो लिख करके उन्होंने इंग्लिश को एक नया रास्ता दिया। एज वेल एज सेवरल टाइप्स ऑफ ड्रामाज, उन्होंने बहुत सारे ड्रामाज लिखे, नॉवेल्स लिखे, ग्रामर्स एंड एस डिक्शनरी वेयर ऑल्सो कम्पोज, और बहुत सारे ग्रामर और डिक्शनरी भी उन्होंने बनाया। इन दिस पीरियड इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इस पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया शेक्सपियर की वजह से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन मिडिल इंग्लिश पर एक नोट लिखना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। मिडिल इंग्लिश इज नोन एज द सेकेंड पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट का दूसरा पीरियड ये है मिडिल इंग्लिश। इट बिगिंस फ्रॉम AD 1150 एंड इंड्स इन 1500, ये 1150 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक ये चला, इसके पीरियड को हम लोग मिडिल इंग्लिश बोलते हैं। इन दिस पीरियड, इस पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप्ड मोर देन ओल्ड इंग्लिश, इस पीरियड में ओल्ड इंग्लिश जितना फला फूला था, बढ़ा था, उससे ज़्यादा विकास मिडिल इंग्लिश ने किया। ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ मिडिल टाइम, मतलब उस पीरियड के बहुत बड़े विद्वान जिसका नाम है चाउसर, कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उन्होंने उस समय इंग्लिश लैंग्वेज को विकास करने में कंट्रीब्यूट किया था, योगदान किया था। देयर वेयर 2 वर्क्स ऑल्सो डन इन मिडिल टाइम में 2 काम और किए गए। द फर्स्ट ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस इन AD 1400 ईस्वी में वोवेल को सेट किया गया, वोवेल बनाया गया। द सेकेंड प्रिंटिंग मशीन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन मिडिल टाइम, और उसमें मिडिल टाइम में प्रिंटिंग मशीन भी इस्टेब्लिश किया गया, आविष्कार किया गया, और प्रिंटिंग मशीन से तो अब बुक्स भी आराम से छपने लगा। इट प्रोवाइडेड टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ राइटिंग एंड वोवेल शिफ्टेड हेल्प टू कंक्रीट करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड, इससे राइटिंग में, मतलब मशीन से राइटिंग में, लिखने में, प्रिंट करने में, और वोवेल के द्वारा प्रोनंसिएशन को, इंग्लिश वर्ड के प्रोनंसिएशन को करेक्ट करने में, उच्चारण को करेक्ट करने में मदद मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इन ऑटम, ये है ओड टू ऑटम का। ठीक है, ऑटम सीजन में क्या होता है, पढ़ते हैं।
इन ऑटम, ऑटम सीजन में देयर इज ए लॉट ऑफ मिस्ट बट इट इज द सीजन इन विच फ्रूट्स गो ऑन रिपनेस एंड ग्रेप्स एंड एप्पल्स बिकम मैच्योर्ड। इसमें कुछ मिस्ट होता है, मतलब कुछ विषमताएं भी है, लेकिन इस सीजन में बहुत सारे फ्रूट्स पकने लगते हैं, ग्रेप्स और एप्पल्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। तो इसको शॉर्ट करके आप बोल सकते हैं इन ऑटम, ये लिखना है इन ऑटम, और यहाँ से लिखना है फ्रूट्स गो ऑन रिपनेस एंड ग्रेप्स एंड एप्पल्स बिकम मैच्योर्ड। ठीक है, इसको छोड़ देना। द ट्रीज आर लोडेड विद फ्रूट्स, पेड़ जो हैं वो फल से लद जाते हैं। द सन हेल्प्स देम इन रिपनेस, और धूप जो है उन्हें पकने में मदद करता है। द शेल ऑफ हार्ड नट्स स्वेल, और सुपारी जो इतना कड़ा होता है वो भी पक जाता है। देयर इज स्टोर ऑफ कॉर्न इन द फील्ड, मैदानों में अनाज भरे पड़े रहते हैं। द साउंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो हर्ड इन दिस सीजन, इस सीजन में अलग अलग चिड़ियों की आवाज़ें भी सुनाई पड़ती है। द नेचर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, एल्बोवाई नहीं होगा, नेचर जो है, प्रकृति जो है वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और हमें ऐसे ही प्यार करते रहें। बाय।